सिवनी मालवा में भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल द्वारा भाजपा के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 65वां बलिदान दिवस युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष के निवास पर मनाया गया। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष ईश्वर जमीदार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद हुए थे। वे हिंदुस्तान को विभाजित करने वाले कानून दो निशान दो विधान दो प्रधान के विरोध में सबसे आगे खड़े होने वाले नेता थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इस कानून का विरोध किया और जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट व्यवस्था का विरोध करते हुए बिना परमिट के जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिन बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। देश को एक सूत्र में बांधने के प्रयास में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे महापुरुष के बलिदान को पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाती आ रही है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके मार्गदर्शन और पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। अंत में जिला महामंत्री विक्रम सूर्यवंशी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महामंत्री विक्रम सूर्यवंशी, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष ईश्वर जमीदार, पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोवंसी, किसान मोर्चा महामंत्री विनोद मालवी, युवा मोर्चा नगर मंत्री राहुल गौर, युवा मोर्चा सह मीडिया प्रभारी मोनू कहार, युवा मोर्चा कार्यालय मंत्री तरुण सिन्हा, अक्षय खटी, कपिल जमीदार, नरेंद्र राठौड़, सुमित, आकाश गौर सहित युवा मोर्चा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।